different. अजय के साथ कि बिगिनर्स के लिए बैक का सबसे बेस्ट वर्कआउट कौन सा है, क्योंकि बिगिनर्स के पास ज्यादातर नॉलेज नहीं है, जिम में ट्रेनर नहीं है, फीस नहीं है देने के लिए ट्रेनर को, तो वो कई बार गलत वर्कआउट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन्हें बताऊंगा बेसिक वर्कआउट जिससे वो अपनी बैक को ग्रो करे और वो भी बिना इंजरी के, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी है जिसमें हैवी ट्रेनिंग बताई हुई है या कोई ऐसे वर्कआउट बताया हुआ है जिसमें आइसोलेशन के साथ साथ कई कंपाउंड मूवमेंट भी, जबकि बहुत बेसिक एक्सरसाइज चाहिए बिगिनर्स को, तो ज्यादा वर्कआउट की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अगर बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको वर्कआउट सीखना है और न्यूट्रिशन पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज मेन है वो भूल जाते हैं। दोनों ही चीजों को आपको बराबर बराबर ध्यान रखना है, जितना आपको वर्कआउट पे ध्यान देना है उससे ज्यादा आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। तो जो बिगिनर्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे की नकल करके एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। बेसिक एक्सरसाइज, जो बेसिक पांच एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा और सिंपल फॉर्म में बताऊंगा जो आपको परफॉर्म करनी है अच्छी बैक के लिए, तो आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, नहीं किया है तो अभी कीजिए रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, और लिंक आपको मिल जाएगा अजय गौतम का भी, ये एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए वर्कआउट शुरू कर दे। तो सबसे पहला जो बेसिक वर्कआउट है उसे हम लगाएंगे पुलअप्स। पुलअप्स के आपको 3 सेट लगाने हैं। अगर आपसे पुलअप्स नहीं लगते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो है मेरी जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उसे करके सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पुलअप्स। अजय पुलअप्स बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन कोई चाहे एडवांस एथलीट हो, चाहे कोई बिगिनर हो, चाहे कोई इंटरमीडिएट हो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वाइड आपकी बैक के लिए। तो 10 रैप अगर आप आराम से लगा दो, 10 रैप बहुत है। सेकेंड एक्सरसाइज वाइड डीप लैट पुल डाउन, सिंपल फॉर्म है, आराम से देखिए, आराम से कीजिए 3 सेट 12-15 रेपिटेशन शुरू में पहले सेट में, उसके बाद आप वेट को इंक्रीज कर सकते हैं और रैप कम कर सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आप फॉर्म पे जाइए रेपिटेशन के साथ साथ। तो लैट पुल डाउन स्लो मोशन के साथ, लोअर बैक आपके अंदर, चेस्ट अप, सिंपल फॉर्म आपकी स्क्वीज होनी चाहिए बैक जब आप नीचे लेके आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कोबरा बैक, तो तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है सिटी ड्रॉइंग। ये कोई मेरे बनाए हुए वर्कआउट नहीं है, ये ओल्ड स्कूल वर्कआउट है। चाहे कोई ओलंपिया खेल रहा हो एथलीट, या कोई बेसिक एथलीट हो, या कोई नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, सब ये बेसिक एक्सरसाइज ही करते हैं। ऐसा कोई साइंस नहीं आया कि कोई अलग से वर्कआउट आया, तो आप बिगिनर है आप भी यही करेंगे। तो सबसे पहले लगा हुआ है लाइट वेट रेपिटेशन
उसी हिसाब से मैनेज करें जिस हिसाब से गोल। अभी आप सीख रहे हैं तो रेपिटेशन पे ज्यादा ध्यान ना देंगे, फॉर्म पे ध्यान दें। आप इसमें बैक देख सकते हैं पीछे से, फोर्थ एक्सरसाइज है सिंगल हैंड रोइंग डंबल से। तो ये इसमें 99% लोग गलत करते हैं, लोअर बैक पे ध्यान रखें। और जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपके शोल्डर साथ में मूवमेंट नहीं करने चाहिए। तो हम करके दिखाते हैं आपको एक सेट। लोअर बैक आपके अंदर रहेगी और चेस्ट अप स्क्वीज करना बस यहीं से। आपको देखो शोल्डर के साथ साथ मूवमेंट नहीं करनी है, ये हैंड आपको लेना है, एक जगह आपने आपको फिक्स रखना है और हाथ की मूवमेंट से आपको बैक स्क्वीज करनी है। बहुत सिंपल फंडा है, लोअर बैक आपको कहीं भी यूज नहीं करनी चाहे कोई भी वर्कआउट कर रहे हो आप। सिंपल बेसिक फंडा, चेस्ट अप स्क्वीज स्क्वीज। तो ये थी चौथी एक्सरसाइज, लास्ट वर्कआउट, सबसे इजी, चेस्ट में भी यूज होता है, बैक में भी यूज होता है, डंबल पुल ओवर। थोड़ा सा डिफरेंस है जब आप चेस्ट कर रहे हो जब, और बैक कर रहे हो जब। जब हम बैक करेंगे थोड़ी सी अपने हाथों की ग्रिप खोल लेंगे एल्बो की, और जब हम चेस्ट करते हैं तो थोड़ी क्लोज कर लेते हैं पुल ओवर। थोड़ा सा डिफरेंस है बस जब आप चेस्ट कर रहे हैं और बैक कर रहे हैं पुल ओवर में। ये अभी बैक का है इसलिए हमने थोड़ी एल्बो खोली हुई है, जब आप चेस्ट करोगे थोड़ी क्लोज हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कहाँ इसका मेन असर है, तो बहुत लिटिल बिट थोड़ा सा ध्यान रखिए बस इस चीज का। जब आप चेस्ट कर रहे हैं क्लोज कर ले, बैक कर रहे हैं वाइड कर ले। ये जब ऐसे करोगे तो ये आपकी चेस्ट क्लोज हो जाएगी, लेकिन हमें बननी बैक। इसमें आप बिगिनर है तो शुरुआत में तो हल्का राइट की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता है। तो ध्यान रखिए अपने शोल्डर को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो शोल्डर की इंजरी बहुत जल्दी होती है। तो ये थी बेसिक एक्सरसाइज जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बैक की। सिंपल वर्कआउट, सिंपल रूटीन, आपको कम से कम 3 से 6 महीने फॉलो करना है। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। और मैं हमेशा कहता हूँ न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट यूज करो, नेचुरल फूड से आप कंज्यूम करो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने सारे नेचुरल फूड से लो, और लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखो, पढ़ाई पर ध्यान रखो, करियर पर फोकस करो, क्योंकि सबका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है। लाइफ में फिटनेस भी मैटर करती है और
99% लोग फिटनेस के लिए ही जिम जाते हैं। अच्छा खाओगे, अच्छे एक्सरसाइज करोगे, अच्छा दिखोगे। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को स्वस्थ रखो, परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, और देश की तरक्की में हम सबकी तरक्की है। जय हिंद, जय भारत।